आप यहाँ विश्राम कीजिए, पहले हम आपके बाग का भोजन कराएंगे, उसके बाद हम आपके प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। भगवान ने कहा, सुनो सुनो, ऐसे नहीं, एक और शर्त है। हमारा जब क्या शर्त है? कोई दूसरा पुत्र को काटेगा तो बाग नहीं खाएगा। कौन काटेगा महाराज? बोले, जिसका पुत्र है उसी को ही काटना पड़ेगा, आरे से चिरना पड़ेगा बीचों बीच। तो राजा एक तरफ, तुम एक तरफ, तुम्हारी धर्म पत्नी, और दोनों आरे से अपने पुत्र को बीच में चीरो, उसके बाद हमारा बाग भोजन करेगा, तब हम तुम्हारे यहां आतिथ्य स्वीकार करेंगे। राजा बोले, सरकार ये काम बड़ा कठिन है। अपने कलेजे के टुकड़े को अपने हाथ से आरा से चीरना पड़ेगा। किसी माँ बाप के लिए अपनी गर्दन कटा देना आसान है, अपने बेटे को आरे से चीरना ये असंभव है। राजा भागे भागे रानी के पास गए, बोले, एक और शर्त है ब्राह्मण देवता की, तुमको और हमको मिलकर के अपने पुत्र को चीरा लगाना पड़ेगा दो टुकड़ों में, तब बाग भोजन करेगा। रानी ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं अपने कलेजे को पत्थर बना लूंगी, लेकिन विप्र देवता को संतुष्ट होकर के जाने नहीं दूंगी। हम मिल करके चीरा लगा कर अपने बेटे को भाग को भोजन कराएंगे। क्षत्रिय कुल के सूर्य हैं, मोर ध्वज कोई सामान्य राजा नहीं है। आए, बोले, महाराज मेरी धर्म पत्नी तैयार है। भगवान कैसे कैसे अपने भक्तों को परीक्षा लेते हैं। भगवान ने कहा, एक और शर्त है राजा, अब क्या हो गया सरकार? शर्त यह है कि तुम और तुम्हारी धर्म पत्नी जब अपने बेटे को चीरोगे, किसी के आंख से एक बूंद आंसू नहीं गिरना चाहिए, और एक बूंद भी आंसू टपक गया, मेरा आबाद भोजन नहीं करेगा। राजा बोले, अपनी गारंटी तो मैं ले सकता हूं, लेकिन मां है वो, तो मां का कलेजा कैसा होता है विप्र देवता आप जानते हैं। नारी तो ऐसे ही स्त्री जात कोमल होती है, उसमें उसका पुत्र के प्रति बहुत अनुराग होता है, उसको दो टुकड़े में चीरना ही बड़ी बात है, और उसमें ये सब की आंख से आंसू न भी आए, मुझे फिर पूछना पड़ेगा, कुछ कराओ। आए धर्म पत्नी के पास, प्रिय एक और शब्द है, चीरते समय आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। माथा पकड़ करके रानी बैठ गई, जी भर करके रोया, मेरे पुत्र इतने ही दिन के लिए तुझे मिला था, तू मुझे बहुत प्रिय है, तुझे खोना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर दरवाजे से ब्राह्मण देवता, अतिथि देवता असंतुष्ट होकर चले गए तो धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म रहेगा तो पुत्र आ जाएगा, लेकिन धर्म चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। जी भर के रानी रोई, आंसू पोंछे, कलेजा पत्थर बनाकर बोली, हे पति देव, जाकर बोलिए विप्र देवता से कि मैं क्षत्रिय नारी हूं, अतिथि धर्म को जानती हूं, आज अपने हाथ से अपने लड़के को काटूंगी और एक बूंद मेरे आंखों से आंसू नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी।
मोरधर राजा ने रानी में मिलकर के अपने बेटे को छीना, चीर करके बाघ को भोजन कराया। इसके बाद अदिति देवताओं के लिए प्रसाद बना, अर्जुन ब्राह्मण के वेश में सब देख करके बड़े चकित थे, हैरान थे कि धरती पर ऐसे भी धर्म को पालन करने वाले ऐसे भी क्षत्रिय राजा भी जिंदा। भोजन प्रसाद लेने बैठे भगवान कृष्ण भी प्रवेश में बोले, मूर्धज अपने पुत्र को बुलाओ। मूर्धज ने कहा, सरकार पुत्र तो ठीक है, आपके सामने अपने हाथों से चीर करके आपके बाहर खिला दिए, अब मैं पुत्र कहां से लाऊं। भगवान ने कहा, राम राम, पहले क्यों नहीं बताया, हमने तो ज्येष्ठ पुत्र को कहा, अब तो हम तुम्हारे यहां प्रसाद लेंगे नहीं, क्यों हूं, क्या हुआ सरकार। बोले, नहीं, जिसके घर पुत्र नहीं उसके घर हम लोग भोजन नहीं करते, तुम पुत्रहीन हो इसलिए तुम्हारा प्रसाद हम ग्रहण नहीं करेंगे। मूर्धज चरणों में गिर गए, बोले, सरकार अगर आप अतिथि देवता पितृ देवता मेरे यहां से बिना प्रसाद ग्रहण किए चले गए, मेरे धर्म की हानि हो जाएगी, आप ऐसा ना करें, मैंने तो केवल आपके आदेश का पालन किया, एक ही पुत्र था उसको काट करके हमने आपके सामने बाघ के सामने डाल दिया, अब हमें पुत्र कहां से लाऊं। भगवान ने कहा, मूर्धज अपने पुत्र का नाम लेकर के आवाज तो दे। अरे वो कहां, वो तो बाघ के पेट में चला गया। भगवान ने, तू आवाज तो दे। मूर्धज ने कहा, पुत्र ताम्रध्वज कहां हो, जो बाघ के पेट में चला गया ताम्रध्वज, वो 16 वर्ष का बालक उछलता कुत्ता दौड़ता हुआ करके आ गया। पिताजी मैं यहां हूं। भगवान प्रकट हो गए, मोहध्वज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न, धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, जो धर्म का पालन करता है भगवान उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम, ये सगुण साकार भगवान की लीला है, ये सगुण साकार भगवान की लीला को हम सुन रहे हैं, लीला को हम गा रहे हैं, और इस लीला को सुनने और गाने का फल यही है कि करोड़ों जन्मों के जो हमारे पाप चित्त में संचित हैं, अगर श्रद्धा से कोई इस लीला को सुने, भगवान की कथा को सुने, तो व्यक्ति निष्पाप हो जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। वही है भगवान, प्रेम से भी प्रकट होते हैं भगवान, अतिथि की सेवा से भी प्रसन्न होते हैं भगवान, अपने धर्म के पालन से भी प्रसन्न होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, रहस्य खुल गया, ये निर्गुण निराकार रूप नहीं सगुण साकार रूप में आज प्रकट हुआ है अयोध्या में। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत बिनो, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत बिनो, सोज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के हो।
प्रेम और भक्ति के वश में होकर के निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार बनता है, ये सिद्धांत स्थापित हो। मतलब भगवान को सगुण साकार रूप में अगर दर्शन करना हो, अच्छा सुनो एक बात कहता है, ये बहुत लोग कहते हैं भाई भगवान को आपने देखा है, अच्छा नहीं नहीं देखा है, नहीं देखा तो हम कैसे मान ले कि भगवान होता है। मतलब उभर ढंग से हमने एक जगह से बात की, भाई आपने अपने बाप को देखा है, बोलो, अरे किसी ने अपने बाप को देखा नहीं है, अरे माँ ने अंगुली पकड़ा करके जिसको बता दिया ये तुम्हारे पिता हैं, तो तुमने मान लिया कि हमारे पिता हैं, बस। किसी बच्चे ने अपने माँ से ये नहीं कहा कि सबूत दो प्रमाण दो कि यही हमारे पिता हैं। माँ ने अंगुली पकड़ा करके बता दिया एक बार, पुत्र ये तुम्हारे पिता हैं और तुमने मान लिया कि हमारे पिता हैं, कभी माँ से प्रमाण नहीं मांगा। इसलिए वेद भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि भगवान है और वह सगुण साकार रूप में प्रकट भी होता है, अवतार भी लेता है, तो ये सत्य है, इस पर संदेह करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। तर्क करने से क्या होगा बताओ, रजोगुण का उत्कर्ष होता है, तर्क होता है। महाभारत में एक बड़ा बढ़िया श्लोक है, कल हम बोले थे, तर्को खारिज किया, तर्क से तो संसार के छोटे छोटे प्रश्नों का शंकाओं का समाधान नहीं हो सकता, तो तर्क से ब्रह्म विद्या कैसे जानोगे, भगवान को तर्क से कैसे जानोगे। अच्छा माई तहरल तर्क से, पहले मुर्गी भैल की अंडा बोला, अब बोला ना हमें लजाए वाला कौन बात से बोली मुर्गी, तो अंडे ना भेज तो मुर्गी कहां से आई, अंडा के कहता हो मुर्गी ना आई रही तो अंडा कहां से आई। देखो साइंस के पास इसका भी उत्तर नहीं है, विज्ञान के पास, वो चांद पर चले गए ठीक है, लेकिन दुनिया में माई का लाल कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं है जो ये बता दे कि पहले मुर्गी हुई कि अंडा, और अंडा नहीं हुई तो मुर्गी निकली कहां से, और मुर्गी नहीं हुई तो अंडा आया कहां से। अच्छा आम, आम खाई ला जरूर सब निकला गया, केकरा केकरा निकला गया, हाथ उठाओ, हम पूछे था नहीं पहले आम भैल की पेड़ इस सृष्टि में पहले आम आई फल की आम के पेड़, आम के पेड़ कहा जाएगी लोग पर वो चहट मन बढ़ू अठिली में सुन आम निकले ला, अठिलिये ना रहे गुठिलिये ना रहे तो आम के पौधा कहां से आई हो, बोली जी विचार करें, आम का बीज नहीं रहेगा तो उसमें से पौधा निकलेगा, इस सृष्टि में पहले आम हुआ फल हुआ या आम का पेड़। छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब भी विज्ञान के पास नहीं है, साइंस के पास नहीं है। देखो हम लोग बैठे हैं, कोई गोरा है कोई काला है कोई सुंदर है कोई कम सुंदर है, कोई मोटा है कोई पतला है कोई लंबा है कोई नाटा है, ये हमारा बाहरी स्वरूप है ना, ये हमारा स्थूल स्वरूप हमारी आंख से दिखाई देता है, हम सबको देख रहे हैं ठीक है ना, लेकिन हमारे इसके भीतर एक मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है, जिसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, मन लोक तक हो बोले मन अक्षलों की अबुद्धि अक्षलों की बोले मिला जाता है। अरे भाई मन के आंख से ना मिलुआ देख सकिला, दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल डॉक्टर पैदा नहीं हुआ
बड़े से बड़े ऑपरेशन थिएटर में आपके शरीर के 1000 टुकड़े कर दो, हाँ शरीर का टुकड़ा करेगा, आपका हार्ट निकाल कर देगा कटोरी में, आपका हार्ट है, ये आपकी किडनी है, ये आपका ब्रेन है, लेकिन कोई माई का लाल ऐसा डॉक्टर नहीं पैदा हुआ कि शरीर के 1,00,000 टुकड़ा करे तो उसमें से निकाल के दिखा दे ये आपका मन है। बोली निकल ली, अगर ये मन आ बुद्धि निकल जाए तो जितना दुष्ट दुर्जन लोग बा, तो अच्छा आदमी जो मरित तो ओकर मनवा बुद्धिया निकाल करके ऑपरेशन करके और दुष्टवन को मनवा बुद्धिया बदल दे ना जी, इतना बढ़िया हो ना निकली नो, दिखाई नहीं देता लेकिन हम अपने अनुभव से जानते हैं कि मन है, कभी मन उदास होता है, कभी मन प्रसन्न होता है, कभी मन रोने का करता है, कभी हंसने का करता है, कभी पकौड़ी खाने का करता है, कभी पकौड़ा खाने का करता है, कभी रसमलाई खाने का करता है, कभी गाना गाने का करता है, कभी रोने का करता है। मन आपका किया तो आपको आए, जिसका मन नहीं किया वो नहीं आया। हम अपने अनुभव से जानते हैं कि हमारे पास मन है, दिखता नहीं है तो सब चीज दिखाई नहीं देती। भगवान दिखता नहीं इसका मतलब कि भगवान नहीं है, ये नहीं कर सकते। सांख्य दर्शन में बताया गया है कई कारणों से किसी वस्तु का बोध नहीं होता, अति सूक्ष्मात, अति दीर्घात, अति दूरात, अति सामिप्यात, कोई बहुत बड़ी चीज हो तो आंख से नहीं देख सकते, हिमालय को आंख से नहीं देख सकते, 4 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर ऊंचा दिखाई देगा लेकिन संपूर्णता में हिमालय पर्वत को देखने की शक्ति आंख में, क्योंकि इतना बड़ा है कि आंख को देखने की शक्ति नहीं है, अब बहुत छोटा होगा तब भी नहीं दिखाई देगा, हवा में करोड़ों करोड़ों बैक्टीरिया तैर रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको, सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाएंगे तो आंख से दिखाई देगा। अति दूरा, दूर होने से भी, जैसे गड़ुआ मन लोग कहते पर्दा हो गया नहीं कर बाहर निकल तो लोग की, लेकिन इधर चिलहर देखल चाहत तो लोग की, दूरी होने से आंख की सीमा है, एक सीमा तक देख सकती है। अमेरिका जैसे लोग की नहीं खेलो कहते मैंने कि अमेरिका नहीं खे, तो जो चीज नहीं खे लोग को तू नहीं खे ही ना कहल जा सकेगा, सिद्धांत ही भाई। विशेष परिस्थिति में, चेतना के विशेष स्थिति में, विशेष स्तर पर, या निर्गुण निराकार रूप, सगुण साकार रूप में प्रकट होता है, और इन आंखों से वैसे ही हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं। प्रेम होना चाहिए, पहली शर्त वही है। हरि व्यापक, हरि व्यापक को प्रकट किया है। ये मनु और शत्रुपा का प्रेम है, यही मनु शत्रुपा आज दशरथ और कौशल्या बनकर के आए हैं, और उनके प्रेम और उनकी तपस्या ने निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार रूप में प्रकट किया है। राम जी लिहले अवतार पुरा आर्य राम जी लिहले अवतार।
तेरी गोद पे आया नाथ बधाई।